राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने मोर पर दिए गए बयान को पक्षी वैज्ञानिकों ने गलत बताया है। जस्टिस शर्मा ने बुधवार को कहा कि मोर आजीवन ब्रह्मचारी होता है, उनके आंसुओं को चुककर मोरनी गर्भवती होती है। इस बात को पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप नानावटी ने पूरी तरह भ्रमक और गलत बताया है। प्रोफेसर डॉक्टर संदीप नानावटी ने कहा कि यह अवैज्ञानिक और असत्य है। बगैर सेक्स के मोरनी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। वास्तविकता यह है कि मोर शर्मीला पक्षी है, इसलिए वह एकांत मिलने पर ही सहवास करता है। यही वजह है कि लोगों में गलत धारणा बनी हुई है कि मोर के आंसू चुककर मोरनी गर्भवती होती है। वहीं देश के ख्यात पक्षी वैज्ञानिक विक्रम ने भी जस्टिस शर्मा के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर भी अन्य पक्षियों की तरह ही मोरनी से सहवास और प्रजनन करता है। आंसू पीकर गर्भवती होने वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। ऐसा कहकर हम दुनिया के सामने उपहास का पात्र बन रहे हैं। लोगों को आश्चर्य है कि ऐसी बातें अब भी कही जाती हैं। गौरतलब है कि जस्टिस शर्मा ने बुधवार को राजस्थान के हिगोनिया गौशाला को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सिफारिश की थी। बुधवार को उनके कार्यकाल का अंतिम दिवस था। इसी संदर्भ में उन्होंने मोर का उदाहरण दिया। बारिश के मौसम में मोर पंख फैलाकर मोरनी को आकर्षित करने का प्रयास करता है। संसर्ग के बाद मोरनी के अंडों से मोर के बच्चों का जन्म होता है। ऐसे में मोर के जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।